बातें बाइस्कोप की पिटारा में आज बाइस्कोप की बातें एक्शन बाइस्कोप की बातें आज थोड़ी भीगी भीगी हैं। वैसे कविता में बात करूं दोस्तों तो भीगना कई तरह का होता है। आमतौर पर भीगने का ताल्लुक होता है पानी से, लेकिन अगर ये पानी बरखा की फुहारों वाला हो तो मामला जरा रोमांटिक हो जाता है। आज जिस फिल्म की बातें आपको सुनाई जाएंगी उसके तो नाम से ही बरसात की फुहारों की याद आती है और हमारी फिल्में रोमांटिक तो होती ही है। चलिए आपको बता दें कि आज की फिल्म है सावन भादों। फिल्म सावन भादों की जानकारियां बटोरकर आलेख तैयार करने वाले हैं अशोक अय्यर। सावन भादों की रसीली बातों से आपको भिगोने में सहायक हैं पी के ए नायर और सावन भादों की बातों की बौछार ला रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। जमाने में हिंदी सिनेमा के पर्दे पर केवल बड़े सितारों वाली नामी कलाकारों की फिल्मों का ही डंका बजा करता था। सन 1970 में भी यही चलन था, मगर इसी बरस बिल्कुल नए चेहरों के साथ एक ऐसी फिल्म भी आई थी जिसने दर्शकों को बरखा की पहली फुहारों जैसा मजा दिया। इस फिल्म का नाम भी बरसात के मौसम जैसा ही था, सावन भादो। सावन भादो में हीरो भी नया था और हीरोइन भी नई। कमाल की बात यह है दोस्तों कि पहली फिल्म में निहायत साधारण सी दिखने वाली उस हीरोइन को देखकर किसी ने तब कल्पना तक नहीं की थी कि आगे चलकर सौंदर्य और प्रतिभा दोनों ही क्षेत्रों में उसकी मिसालें दी जाएंगी। उसकी अदाकारी के झटके पहली ही फिल्म में ऐसे लगे थे कि हीरो साहब को कहना पड़ा, कान में झुमका, चाल में झुमका, कमर पे चोटी लटके, उठ गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे पचासी छक्के। सूर्य की पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा पर आप सभी का स्वागत है। दाता एक राम साधन प्रादेशिक साधन विविध भारती एफएम के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद डीटीएच सेवा के साथ। देश के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी डीटीएच के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप। बस डीटीएच सेवा का उठाए लाभ, आपकी हर सांस के साथ साथ डीटीएच सेवा 24 घंटे रहे आपके पास। डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, डीटीएच सेवा है जहां। मोहन सहगल ने और कहानी लिखी थी केटी कोटाराकर ने, पटकथा और संवाद अली रजा के थे, गीत वर्मा मलिक ने लिखे और फड़कता हुआ संगीत इस फिल्म को दिया था सोनिक ओमी ने। सुन 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 ओ गुलाबी कली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। ऐसा देखा गया है दोस्तों कि बिल्कुल नई फिल्मी जोड़ी को लेकर बनाई गई फिल्में आमतौर पर बॉक्स ऑफिस पर हिट हो ही जाती हैं। ऐसी कई मिसालें हैं जब एक नई फिल्मी जोड़ी पर्दे पर उतरी और रातों रात स्टार बन गई। लव इन शिमला में जॉय मुखर्जी और साधना, लव स्टोरी में कुमार गौरव और विजयता पंडित, कयामत से कयामत तक में आमिर खान और जूही चावला, हीरो में
जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री, मैंने प्यार किया में सलमान खान और भाग्यश्री, बेताब में सनी देओल और अमृता सिंह, और कहो ना प्यार है की जोड़ी ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल। ये सब जोड़ियां पहली बार पर्दे पर आई और एक ही बार में दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गई। ऐसा ही जादू सावन भादों के रेखा और नवीन निश्चल का भी चला था। सावन भादों के निर्माता और निर्देशक थे मोहन सहगल। मोहन सहगल ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर में सहायक निर्देशक बनकर की थी। बलराज साहनी और निरुपा राय अभिनीत फिल्म औलाद से वे निर्देशक बने। आगे चलकर उन्होंने डीलक्स फिल्म्स के नाम से अपना बैनर बनाया और डीलक्स फिल्म्स के बैनर तले उनकी पहली फिल्म थी नई दिल्ली। फिल्म नई दिल्ली के बाद मोहन सहगल ने कई फिल्मों का निर्माण किया। इनमें से कुछ फिल्मों का निर्देशन उन्होंने स्वयं किया और कुछ फिल्मों के निर्देशन का जिम्मा अपने सहायकों जैसे नरेंद्र सूरी और राजेंद्र भाटिया को सौंपा। बहरहाल मोहन सहगल द्वारा निर्मित उल्लेखनीय फिल्मों के नाम मैं आपको बता देता हूं। सन 1958 में बनी बलराज साहनी और नरगिस अभिनीत लाजवंती, जिसके निर्देशक थे नरेंद्र सूरी और संगीतकार एस डी बर्मन। 1962 में आई वैजयंती माला और मनोज कुमार की जोड़ी वाली राजेंद्र भाटिया के निर्देशन में बनी एस डी बर्मन के ही संगीत वाली फिल्म डॉक्टर विद्या। 1966 में प्रदर्शित हुई धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की फिल्म जो बंगला उपन्यास ना पर आधारित थी और निर्देशन इसका स्वयं मोहन सहगल ने किया था, संगीतकार थे रोशन। सन 1969 में बनी आशा पारेख और मनोज कुमार की फिल्म भी मोहन सहगल ने ही निर्देशित की थी, जिसके संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम था साजन। रिंकू जायसवाल और पद्मिनी कपिला को लेकर सन 1973 में मोहन सहगल ने बनाई इंतजार। इसका निर्देशन उन्होंने मोहन सिंह काव्या से करवाया और संगीत चित्रगुप्त ने तैयार किया। धर्मेंद्र, रेखा और विनोद मेहरा के साथ सन 1979 में बनाई गई कर्तव्य, निर्देशन स्वयं मोहन सहगल का था और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अपने बैनर डीलक्स फिल्म्स के अलावा मोहन सहगल ने कुछ दूसरे निर्माताओं की फिल्में भी निर्देशित की। वैसे यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि मोहन सहगल बहुत अच्छे नर्तक थे। उन्होंने पंडित उदय शंकर से नृत्य की तालीम ली थी और उन्हीं की नृत्य मंडली में उनके साथ पूरे देश का भ्रमण भी किया था। हिंदी फिल्मों में वे वास्तव में हीरो बनने का इरादा लेकर आए थे, लेकिन बम्बई ने उन्हें बना दिया निर्माता निर्देशक। बहरहाल अब हम आ जाते हैं उस फिल्म पर जिसकी हमें आज बातें करनी है, यानी सावन भादों। फिल्म सावन भादो एक मर्डर मिस्ट्री थी और इसमें मोहन सहगल ने नए हीरो नवीन निश्चल और नई हीरोइन रेखा के अलावा दो और भी नए कलाकार लिए थे, रंजीत और जयश्री टी। जब सावन भादो में मोहन सहगल ने नए कलाकारों को लेने का निश्चय किया तो उनका ये इरादा उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिल्कुल नहीं भाया और नतीजा ये हुआ कि 15 वर्षों तक उनका साथ निभाने वाले वितरक पीछे हट गए। लेकिन एक बार इरादा करके मोहन सहगल पीछे नहीं हटे। उन्होंने फाइनेंसरों से 18 लाख रुपए का कर्ज लिया और सावन भादों का निर्माण किया। ये बहुत ही चुनौती भरा और खतरनाक फैसला था। बाद में खुद मोहन सहगल कहते रहे कि अगर ये फिल्म पिट जाती तो उनकी अगली पीढ़ी भी ये कर्जा उतार नहीं पाती, मगर तकदीर ने उनका साथ दिया और फिल्म को सफलता मिली, और सफलता भी ऐसी शानदार कि सावन भादों ने देश के 34 सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाई और चेन्नई के मिनर्वा टॉकीज में तो सावन भादो 25 हफ्तों तक हाउसफुल चली। इसे बहुत बड़ी उपलब्धि कहना चाहिए क्योंकि उन दिनों तमिलनाडु में जोरदार हिंदी विरोधी लहर चल रही थी। लेकिन इस लहर के बावजूद सावन भादो ने मनोरंजन की ऐसी झड़ी लगाई कि बॉक्स ऑफिस पर झमाझम रुपया बरसने लगा। सो जा सावरिया रे, चुप हो जा।
कुछ बातें इस फिल्म के हीरो नवीन निश्चल के बारे में। नवीन निश्चल के पिता कभी लाहौर में मोहन सहगल के साथ पढ़ा करते थे, यानी उनके पुराने सहपाठी थे। एक बार नवीन के पिता ने मोहन सहगल को बताया कि कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं लेता और फिल्म स्टार बनना चाहता है। मोहन सहगल ने नवीन से कहा कि वे पूना इंस्टीट्यूट जाएं, एक्टिंग का कोर्स करके पूरी तैयारी के साथ फिल्मी मैदान में उतरें। नवीन निश्चल ने उनकी बात मान ली, पूना से एक्टिंग की तालीम कामयाबी के साथ हासिल की और राज कपूर के हाथों गोल्ड मेडल भी पाया। नवीन की ट्रेनिंग पूरी हुई तो मोहन सहगल ने अपना वादा भी निभाया। उन्होंने 11 अक्टूबर सन 1969 को सावन भादों की शुरुआत की। हीरोइन ली गई रेखा। फिल्म के रिलीज के बाद मुंबई के एक 5-स्टार होटल में चल रही एक पार्टी में नवीन की मुलाकात दिलीप कुमार से हुई। दिलीप कुमार ने उनकी तारीफ की और ये सलाह दी कि उन्हें फिल्में अच्छी और चुन चुन कर लेनी चाहिए, नहीं तो बेतुकी फिल्में उनका करियर खराब कर देंगी। नवीन निश्चल ने दिलीप साहब की बात पर अमल किया या नहीं किया ये तो हमें नहीं पता दोस्तों, मगर बदकिस्मती से उनके हिस्से में ऐसी फिल्में ही ज्यादा आईं जिनमें कर दिखाने लायक कुछ नहीं था। हाँ, कुछ फिल्में जरूर ऐसी थीं जिन्हें अच्छी कहा जा सकता था, जैसे हंसते जख्म, परवाना, धुंध, वो मैं नहीं, बुड्ढा मिल गया और मेरे सजना वगैरह। मगर किस्मत देखिए कि इन फिल्मों में भी तारीफें औरों के हिस्से में आई। विक्टोरिया नंबर 203 में सारी तालियां प्राण और अशोक कुमार बटोर ले गए। हंसते जख्म में प्रिया राजवंश छाई रही। बुड्ढा मिल गया में ओम प्रकाश का रंग जमा रहा। फिल्म परवाना में अमिताभ बच्चन तारीफें समेट ले गए। जाहिर है नवीन को कोई खास फायदा इन फिल्मों से भी नहीं हुआ। बाकी कसर जोरो, मोंटो, बरखा बहार और छलिया जैसी फ्लॉप और बेकार फिल्मों ने पूरी कर दी। जिस शान और जिस तेजी के साथ नवीन निश्चल चमके थे वो चमक हर फिल्म के साथ फीकी पड़ती चली गई और बाद में टीवी और फिल्मों में नवीन की वापसी हुई चरित्र अभिनेता के रूप में। आइए अब कुछ बातें करें फिल्म सावन भादों की हीरोइन रेखा के शुरुआती दौर की। फिल्म सावन भादों दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता जेमिनी गणेशन की पुत्री रेखा की पहली रिलीज होने वाली फिल्म जरूर थी, लेकिन सबसे पहले वे जिस हिंदी फिल्म के लिए साइन की गई थी वो थी अनजाना सफर। अफ्रीका में रहने वाले दो भाई कुलजीत पॉल और शत्रुजीत पॉल इस फिल्म के निर्माता थे, नायक थे विश्वजीत। अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान ही फिल्मी प्रचारक धीरेन्द्र किशन की नजर रेखा पर पड़ी और उन्होंने मोहन सहगल को रेखा के बारे में बताया। मोहन सहगल उन दिनों सावन भादों के लिए एक नई हीरोइन को तलाश कर रहे थे। मोहन सहगल ने रेखा से पूछा, हिंदी बोलनी आती है?
रेखा ने कहा नहीं। मोहन जी ने पूछा नाचना आता है? रेखा का जवाब था नहीं। इसके बाद भी मोहन सहगल ने जो जो पूछा रेखा का जवाब नहीं में ही रहा। रेखा की मां को इस बात पर चिंता हुई कि ये फिल्म उनकी बेटी के हाथों से गई, लेकिन पारखी मोहन सहगल रेखा में छिपी हुई प्रतिभा को शायद अच्छी तरह भांप गए थे और उन्होंने कई सारे नहीं नहीं के बावजूद रेखा को सावन भादों की हीरोइन के लिए चुन लिया। शुरू में रेखा की हिंदी वाकई बहुत खराब थी, उच्चारण भी माशाल्लाह था, लेकिन रेखा ने संवाद अदायगी और हिंदी पर खूब मेहनत की और सावन भादों के आधा होते होते वे खासी हिंदी बोलने लगी। इस फिल्म में अपने संवादों की डबिंग भी उन्होंने खुद ही की और बाद में तो सबने ये जाना और माना भी कि हिंदी ही क्या, उर्दू में भी रेखा की पकड़ अच्छी खासी हो गई है। वरना सोचिए उमराव जान जैसी भूमिका इतनी शिद्दत और सहजता के साथ निभा पाना कहां मुमकिन होता। खैर, बात हो रही थी सावन भादों की। चूंकि रेखा की पहली फिल्म अनजाना सफर सेंसर में फंस गई थी, इसलिए सावन भादों रेखा की पहली फिल्म कहलाई। हे मर्जा, मैंने तो घड़ा उस डाकू को मारा था, वो अपने सर के बीच में लाया। अरे तुम लड़कियों को किसने कहा था कि मर्दों के बीच में आना? अरे वारे वाह, बड़ा मर्द बनता है और एक चटकी बन जाती। मेरा सर तो नहीं फूटता। तेरे सर का क्या है, दमड़ी की चूना हल्दी में जुड़ जाएगा, मगर हमारे घड़े कहाँ जड़ेगा? फिक्र मत करो, तुम सबको पीतल के घड़े मिल जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अरे वाह, नाम पता तुम अपना बताओ। घड़े हमको तुमसे वसूल करने हैं या तुमको हमसे? ए बदतमीज लड़की, जरा मुंह संभाल के बात कर, जानती नहीं है कौन है? विक्रम बाबू है, विक्रम बाबू, गांव के जागीरदार। ऐसी बात है तो जल्दी ले गए यहाँ से, अब इनसे बचाने को हमारे पास और घड़े भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन निश्चल और रेखा के अलावा सावन भादो में तीन और नए चेहरे थे, रंजीत, नरेंद्र नाथ और जयश्री टी। जयश्री टी सावन भादो में नवीन निश्चल की बहन बनी थी। क्योंकि जयश्री टी बहुत अच्छी डांसर थी, इसका लाभ उठाकर उन पर फिल्म सावन भादो में भी कैबरे और मुजरा दोनों फिल्माए गए। एक और मजेदार बात यह भी है दोस्तों कि पहले जयश्री टी को रेखा वाले रोल के लिए यानी हीरोइन के लिए और रेखा को जयश्री टी वाले रोल के लिए सोचा गया था। फिर यूनिट को लगा कि गांव की अल्हड़ और शोख लड़की की भूमिका में रेखा ज्यादा फबेंगी और मॉड रोल में जयश्री टी। बस रोल बदल गए और जाहिर है तकदीरें भी। रेखा कहां से कहां जा पहुंची और जयश्री टी डांस नंबरों तक ही सिमट कर रह गई। सावन भादों में ही एक और नौजवान को भी ब्रेक मिला था जिनका नाम था गोपाल बेदी। ये साहब एयरफोर्स की ट्रेनिंग छोड़कर अभिनय करने के लिए आदम के थे। फिल्म सावन भादों में रोल मिला रेखा के बिगड़े हुए जुआरी भाई का। पहली फिल्म से ही नया फिल्मी नाम भी मिला और गोपाल बेदी बन गए रंजीत। माँ, देखो तेरी बेटी के लिए क्या लाया हूँ। भारी दाम का लगता है रे। चोरी की हो तुम? इतनी बार बोला है कि मैं चोरी नहीं करता, धर्म धर्म से जुआ खेलता हूँ, उसी जीत में चलाया हूँ 5 रुपए का, चले। फिल्म सावन भादों में खलनायकी का रंग जमाया था एक नए अदाकार नरेंद्र नाथ ने। ये नरेंद्र नाथ प्रेम नाथ और राजेंद्र नाथ के छोटे भाई थे। जबलपुर से अपनी तालीम पूरी करके बम्बई आए तब उनका लक्ष्य था कि निर्देशक बनेंगे, लिहाजा निर्देशक लेख टंडन के सहायक बन गए। फिर अभिनय के शौक ने जोर मारा तो निर्देशक लेख टंडन ने ही जहां प्यार मिले में उन्हें विलन बना दिया। सावन भादों में उनका अंदाज कुछ यूं था। क्या ख्याल है सेठ जी? सोने की चिड़िया है प्यारी, कब तक उतरेगी तुम्हारी जाल में? सोने की चिड़िया तो पहले मोती चुकाने पड़ते हैं सेठ जी, कुछ माल वाल दिला कीजिए। पहले अपने माल के तो जलवे दिखाओ, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा नाचती। रामदयाल जी, आप हुक्म कीजिए, इंद्र सभा लगा दूंगा।
फिल्म में नवीन निश्चल का जो आलीशान महल दिखाया गया था वो दरअसल में है पुणे का ग्वालियर पैलेस। एक और दिलचस्प बात ये भी है दोस्तों कि फिल्म की 7 रीलें शूट हो जाने के बाद तक इस फिल्म का नामकरण संस्कार संपन्न नहीं हो पाया था। काफी देर बाद इसका शीर्षक रखा गया सावन भादो। जिन दिनों फिल्म सावन भादो की शूटिंग चल रही थी तब एक वक्त ऐसा भी आया था जब इसके 3 कलाकार नवीन निश्चल, नरेंद्र नाथ और रंजीत अपने अपने फ्रैक्चर हुए हाथों पर पट्टी बांधे घूम रहे थे। जो कोई भी सेट पर आता इन्हें देखकर हैरान हुए बिना नहीं रहता। एक स्वाभाविक सा सवाल मन में आता कि ये तीनों एक साथ कैसे घायल हो गए। हुआ यूं था कि फिल्म के फाइट कंपोजर मिस्टर दास जब फाइट सीन करवा रहे थे तब नए नवेले नवीन निश्चल और नरेंद्र नाथ सीन में जान डालने के लिए कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए और ऐसा घमासान मचाया कि चोट खा बैठे। रहे रंजीत तो उनको उन्हीं दोनों चल रही फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग में चोट लगी थी। काफी दिनों तक ये तीनों कलाकार फिल्म सावन भादों के सेट पर अपने हाथों में बंधे प्लास्टर के साथ दिखाई देते रहे। फिल्म से जुड़ी इन मजेदार जानकारियों के बाद आइए दोस्तों अब सुनते हैं फिल्म सावन भादों की कहानी। मरहूम जागीरदार राय बहादुर करण सिंह की बहुत बड़ी जागीर थी। उनकी मौत के बाद अब सारी जागीर और शानदार महल जय विलास की देखरेख उनकी दूसरी बीवी सुलोचना यानी श्यामा कर रही थी। सुलोचना का हर भले बुरे काम में साथ देने वाले थे 3 लोग। एक उसका शराबी भाई यानी किशन धवन, दूसरा जागीर का मैनेजर गौरीशंकर यानी इफ्तिखार और सुलोचना की बेटी डॉली यानी जयश्री टी। करण सिंह की पहली स्वर्गवासी बीवी का बेटा विक्रम यानी नवीन निश्चल 5 बरस तक इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद अब वापस लौट रहा था और महल में उसकी अगवानी का प्रोग्राम बनाया जा रहा था। चलोगे नहीं एयरपोर्ट भांजे को लेने? अरे हम कौन होते हैं चलने वाले, उसके बाप की दूसरी बीवी का भाई। अरे जब बाप ने जीते जी साला नहीं समझा तो बेटा क्या मामा समझेगा। विक्रम जब अपने ड्राइवर कासिम यानी आगा के साथ अपनी कोठी की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में ही कुछ अनजान लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमारे गांव में जाकर किसी को लूटे कितनी बदनामी की बात है। चलो मारे सुसरों को चलो। विक्रम को उन हमलावरों से बचाने वाली गांव की ये अल्हड़ लड़की थी चंदा यानी रेखा। लेकिन ये लोग थे कौन? मैं क्या जानूं? तो फिर वो तुम्हें देखते ही भाग क्यों गए? ये उनसे जाकर पूछो। अरे क्या कर रही हो रे? तुमको मालूम नहीं बाबू इनके हथियारों में जहर लगा होता है, घर जाकर नीम की पत्ती बांध लेना। आ रही। रास्ते में शोक और चुलबुली चंदा से हुई मुलाकात के बाद घर आकर विक्रम अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन डॉली से भी मिला। विक्रम अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति को भूला नहीं था मगर उसकी माँ और बहन पर आधुनिकता का जो रंग चढ़ा था वो शाम की पार्टी में विक्रम ने भी देखा। पार्टी में अपनी बहन डॉली को कम कपड़ों में थिरकते हुए और माँ को जाम पर जाम खाली करते हुए देखकर विक्रम पर जैसे बिजली सी गिरी और उससे रहा नहीं गया। लेकिन उसका बीच में ही उठकर चला जाना डॉली को अच्छा नहीं लगा। भैया आप 5 साल इंग्लैंड में रहकर आए हैं, आपको इतना भी नहीं मालूम इस तरह पार्टी से चला आना मेहमानों की कितनी बड़ी इज्जत है। चलिए अभी तो आपको सैंपल की बोतल खोलनी है। ठहरो डॉली, लगता है आप यूरोप की लाइब्रेरीज में सिर्फ किताबें ही चाटते रहे, वहाँ की जिंदगी नहीं देखी। अच्छा देखो मैं ये क्या लाऊं तुम्हारे लिए वहाँ से। ये कौन पहनेगा भैया? ये तो आउट ऑफ फैशन है, मैं अपने दोस्तों के सामने ले जाऊंगी। हाँ तो नई हंसी उड़ाएंगे। हेलो
आपकी कंपनी के लिए मामा जी भी आ गए। क्या बात है भांजे, हम तो समझते थे बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा तुमसे। बहुत चढ़ गई है क्या? चढ़ तो सारे घर को गई है मामा, सोच रहा हूँ अब उतरेगी कैसे। इधर शराबी मामा यानी किशन धवन के रंग ढंग भी विक्रम को कुछ अजीब से लगे और उधर चंदा अपने जुआरी भाई यानी रंजीत की हरकतों से परेशान थी। निखट्टू, हम माँ बेटी मेहनत मजदूरी करके इज्जत से अपनी रोटी कमाते हैं, तू वो भी माटी में मिला देना चाहता है? अरे तू तो हरदम लड़ती रहती है इससे। तू नहीं जानती अपनी बेटी की करतूत, आज ये जागीरदार को कत्ल करने गया था। हाँ, गया था उसे मारने और फिर जाऊंगा, उसने हमारी सारी जमीन छीन ली, हमें भिखारी बना दिया, हमसे दुश्मनी की, हम भी उससे दुश्मनी करेंगे। इस बार वो बच गया, अबकी बार उसे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। विक्रम की फैशन परस्त आजाद ख्याल बहन डॉली पर एक दिन एक गलत किस्म के इंसान मदन यानी नरेंद्र नाथ की नजर पड़ी। सर, वो लड़की कौन है? मिस डॉली, सर राय बहादुर शरण सिंह की लड़की है, बहुत बड़ी जागीर है इनकी। जयविलास का नाम नहीं सुना आपने? ऐसे यस सर। उसका कार नंबर क्या है? जी उनका कार नंबर है BMC 9441। मदन ने अपना जाल बिछाया और डॉली उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसती चली गई। वैसे मैंने डान बाकायदा सीखा है। आप मुझे सिर्फ 6 महीने दीजिए और फिर देखिए, आप दुनिया की टॉप आर्टिस्ट होंगी, समाना आपके कदमों पे होगा और आप अपना ग्रुप बनाकर सारी दुनिया में घूम सकेंगी सिर्फ 6 महीने। अगर ऐसी बात है तो 6 महीने क्या, मैं आपको जिंदगी देने को तैयार हूँ। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। एक दिन विक्रम के शराबी मामा ने जुआ खेलने के लिए अपने ही घर में चोरी की। अपनी बहन सुलोचना के कीमती हार को उसने चुरा लिया और हार को जुए में हार बैठा। वो हार मिला चंदा के भाई को। ओहो, जुआ तो भारी दाम का लगता है रे। कहीं चोरी की होगी। इतनी बार बोला है कि मैं चोरी नहीं करता, धर्म धर्म से जुआ खेलता हूँ, उसी जीत में चलाया हूँ 5 रुपए का, ये ले। ना बाबा, मैं नहीं लेती, पाप लगेगा। कैसे नहीं लेगी, घर के सारे पासन कासन तेरे मेरे जीवन सबके जीव में हार गया है। एक चीज लौट के आई है, कहते लूंगी नहीं। ले ले, कितने ख्याल से लाया है। विक्रम और चंदा की बार बार एक दूसरे से हो रही नोकझोंक कब प्यार में बदल गई, इस बात को दोनों जान ही नहीं पाए। मुझे पलकों में अपने छुपा लो, सपना समझ के हाय मेरी बात को फुर्सत निकालो, अपना समझ के हो मैं हो यार तेरा, तू है प्यार मेरा, दिल में समा के तू जाना ना, रुक 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 मिस्री की गली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। सुबह सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत सुनते हैं तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है। प्रायोजक बीको वज्रदंती, दांतों की लंबी उम्र के लिए। एक रोज विक्रम और चंदा को जागीर के मैनेजर गौरीशंकर यानी इफ्तेखार ने देख लिया और जा पहुंचा विक्रम की सौतेली माँ सुलोचना के पास। यकीन कीजिए, चंदा और उसकी माँ ने विक्रम बाबू को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है। तो इसका मतलब है कि विक्रम मेरी काट करने के लिए गांव वालों से मेलजोल बढ़ा रहा है। तुमने मुझे ठीक वक्त पर खबर कर दी। रिश्तों में फूट और खटास की ये तो सिर्फ शुरुआत थी, बात आगे बढ़ती चली गई। गौरीशंकर जी, गांव वालों को हमसे बड़ी शिकायत लगती। जरूर होगी चंदा, माता जी भी शायद आप ही की राय से जागीर का इंतजाम करती होंगी। उन्हें कौन राय दे सकता है, उनकी राय में तो आपके स्वर्गवासी पिताजी भी चलते थे और मैं आपको भी यही राय दूंगा। मुझे आपकी राय नहीं चाहिए, मुझे उन किसानों की लिस्ट चाहिए जो हमारी साझे की जमीनों पर काश्त करते थे और जिनकी जमीनें जागीरदारी खत्म होने के बाद उन्हें मिल जानी चाहिए थी लेकिन अब तक नहीं मिली। ये क्या बहस हो रही है? माँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जागीरदारी खत्म होने के बावजूद तुम्हारे इन करिंदों ने पटवारी से मिलकर तमाम जमीनें हमारे नाम करवा ली है और बेचारे किसानों को बेदखल कर दिया है। ये करिंदे नहीं दरिंदे हैं, इनके दिल में न भगवान का डर है न इंसान का प्यार। विक्रम, तुम्हारे दिल में किन गरीब इंसानों का प्यार खोल उठा है वो मैं सब जानती हूँ।
माँ, ये तुम क्या कह रही हो? सुनो विक्रम, कान खोल कर सुनो। मैंने अपने पति की जागीर को जिस शान और इज्जत से बनाकर रखा है, वो तुम्हें आसानी से मिटाने नहीं दूंगी। ये जागीर मेरे हुक्म से चलती है और तुम्हें भी मेरे हुक्म पर चलना होगा। और हाँ, आइंदा मेरे कान में कोई भी ऐसी बात ना पड़े कि तुम रात रात भर गाँव में किसी लड़की के साथ अपना मुँह काला करवा रहे थे, समझे? उधर डॉली को अपने जाल में फांसने के बाद मदन कुछ और ही चालें चल रहा था। मिस्टर रामजाल का बिजनेस सारे यूरोप में है और कलाकारों पर तो जान देते हैं। राजी हो गए? 99.9%। मदन, समझ में नहीं आता तुम्हारे इतने एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी। अरे एहसान तो पराये लोगों पर किया जाता है, अपनों पर नहीं। मुझे तो तुम्हें और मुझमें कुछ फर्क ही नजर नहीं आता। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जब तुम मुझे मिल गए। डॉली, क्या तुम वाकई खुश हो? अगर ये सच है तो फिर इतनी दूरी क्यों? आओ, आज आपस का ये फासला दूर कर ले। एक दिन विक्रम के ड्राइवर कासिम ने डॉली को मदन के साथ देख लिया और वो विक्रम के पास जा पहुंचा। मदन का मेन बिजनेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। भोली भाली अमीर लड़कियों को लंदन और अमेरिका के सपने दिखाकर उनकी आबरू और पैसों को दफ्तर में इम्पोर्ट कर लेता है और लड़कियों को एक्सपोर्ट कर लेता है। ऐसे नीच आदमी को माँ ने घर के अंदर आने कैसे दिया? डॉली को रोका क्यों नहीं? माँ की बात छोड़िए मालिक, क्या कहूँ, अगर उसमें इतनी समझ होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। गुस्से में तमतमाया हुआ विक्रम मदन के यहाँ जा पहुँचा, जहाँ डॉली मदन और सेठ रामदयाल के सामने नाच गाकर अपनी बेहुदा नुमाइश कर रही थी। भैया, आप मिस्टर मदन हैं जो मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये है सेठ रामदयाल जो मेरा डांस ग्रुप सारी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। That's all right. तुमको अजनबी लोगों के सामने ऐसे नाचते हुए शर्म नहीं आती? चल घर चल। मिस्टर विक्रम, डोंट बी एंग्री, आपको मालूम नहीं। मिस्टर मदन, यू प्लीज शट अप। भैया, कम ऑन, चेंज योर फ्लोर। डॉली की हरकतों पर विक्रम का खून खोल रहा था। आखिर तू चाहती क्या है डॉली? तुझे अपनी शराफत, अपनी आबरू, अपने खानदान की इज्जत, किसी बात का कोई ख्याल नहीं रह गया? खबरदार से घर से बाहर निकल। क्या बात है विक्रम, क्या हुआ? माँ, आज ये तुम्हारी लाडली उस कल्चर सेंटर में मदन और उसके आवारा दोस्तों के सामने इस बेहयाई के साथ नाच रही थी कि शर्म से मेरा सर झुक गया। आज से इसका बाहर आना जाना बंद, आप उसे घर से बाहर मत जाने देना। विक्रम के तेवर माँ और बेटी को बुरे लगे, मगर दोनों मजबूर थीं। डॉली, बेटे, ये मत भूल कि जागीर की एक एक पाई विक्रम के नाम है। वो चाहे तो हमसे भीख मंगवा सकता है। मेरे किए धरे पर पानी मत फेर। जब तक मैं कोई रास्ता नहीं निकाल लेती, तुझे उसके हुक्म पर चलना होगा, समझी? विक्रम की सौतेली माँ सुलोचना विक्रम और चंदा के बढ़ते हुए मेलजोल से सख्त नाराज थी। एक रोज उसने चंदा और उसकी माँ कल्याणी यानी चंद्रिमा भादुड़ी को अपनी कोठी पर बुलवा भेजा। कल्याणी, ये लो 500 रुपए, लो ना, और जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी कर दे। इसे रहने दो ना अपने पास, जब रिश्ता मिलेगा तब बेटी समझ कर जो दोगी ले जाऊंगी। हमारे यहाँ एक नौकर है, जब घोड़े थे तो वो अस्तबल की सफाई किया करता था। मैं उसे हुक्म दूंगी, वो फौरन तैयार हो जाएगा। कैसी बातें करती बुच्छी, अपनी औकात मत भूल। तुझे मालूम नहीं तेरी बेटी की करतूत क्या है? मेरे बेटे की तरफ एक नजर भी उठाई तो तुम दोनों माँ बेटी की छुट्टियाँ कटवा कर गांव से बाहर निकलवा दूंगी। अरे वाह, तुम कौन होती हो हमें गांव से बाहर निकालने वाली? चुप कर दे, इस बदतमीज को वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा रे? ये घर के पैसे, हमारे खून के पैसे से अपनी हवेलियाँ खड़ी करके उल्टी हमें को भीख देने चले गए। गौरीशंकर, निकाल दो इस दोनों को, हवेली से बाहर निकाल दो। चलो, हम तेरी हवेली पर थूकने भी नहीं आएंगे। भूल गई वो दिन
जब मिट्टी की गागर उठाकर घर घर आवाज लगाती फिरती थी। विक्रम के पिता को फांस कर अब हम पर विक्रम का इल्जाम धरती है। चलो चलो चल बैठी। चंदा और उसकी माँ की खुददारी से तिल मिलाती हुई सुलोचना उनसे बदला लेने की फिराक में लग गई और बहुत जल्दी उसे ये मौका मिल भी गया। सिस्टर तुमने मुझे बुलाया? चोटे कहाँ था तू इतने दिन? कमाल है, खुद ही मुझे चोर बनाकर उस दिन घर से निकाल दिया, अब खुद ही शिकायत करती हो कहाँ था इतने दिन। इज्जतदार आदमी हूँ, टाइम लगता है शर्म जाते जाते। टाइम के बच्चे, वो मेरा हार किधर है जो उस दिन तू चुरा कर ले गए यहाँ से? वो तो मैंने तुम्हें पर भेंट चढ़ा दिया। तुम्हें कुछ खबर भी है? कल्याणी और उसकी लड़की ने तुम्हारी जागीर पर कब्जा करने के लिए विक्रम को फंसा लिया था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए चंदा के गले में हार डालकर दोनों को फंसा लिया। तो मेरा वो हार उस चुड़ैल चंदा के गले में है? कांटा मछली के मुंह में है, जब चाहूंगा खींच लूंगा। दरबारी, जिंदगी में पहली बार तुमने अकल की बात की। हार की चोरी का इल्जाम चंदा पर धर दिया गया। मुझ पर दया करो। चल तू इंस्पेक्टर साहब ले जाइए चोटी को। भगवान से डरो, हम गरीबों पर झूठा इल्जाम धरकर गांव में हमारा मुंह काला न करो। नहीं छोड़। क्या बात, इस लड़की ने आपकी माता जी का यह हार चुराया? यह हार तो मैंने दिया था इसको। तो फिर बताया क्यों नहीं इसने? आपका नाम तक नहीं लिया। ये इसकी शराफत है। चंदा मुझे माफ कर दो। लो ये हार अपने पास रखो। इंस्पेक्टर आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेवर माइंड। एक दिन मदन डॉली से मिलने के लिए उसके घर तक आ पहुंचा और वहीं दिल से मजबूर होकर आ गया हूं डॉली। जिस दिन से तुम्हें नहीं देखा है एक रात भी मैं चैन से सो नहीं सका हूं। लगता है जिस मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हारे इन दहकते हुए होठों की अपनी की कसम मैं तुम्हारे भैया से मेरे तुम्हारे ब्याह की बात करूं। डॉली भैया, मिस्टर मदन आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। आप दोनों बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हेलो मिस्टर विक्रम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मिस्टर विक्रम मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है मिस्टर विक्रम, लेकिन इस बेइज्जती का बहुत भारी बदला मिलेगा आपको। इज्जत तुम मेरे घर की लूट रहे हो मदन, मगर ये मत भूलो कि ये शरीफों का घर है। यहाँ बहनों की इज्जत के सौदे नहीं होते। जहाँ बहन की इज्जत पे भाई की जान कुर्बान की जाती है। जान कुर्बान करके भी तुम मेरे और डॉली के बीच में नहीं आ सकोगे विक्रम। तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी इस घर की इज्जत को लाग ना ले जाऊं तो मदन नाम है मेरा। ये घटना विक्रम और मदन के बीच दुश्मनी की शुरुआत थी। यही नहीं, एक दिन जब विक्रम चंदा के घर पर चंदा के साथ था तो चंदा के भाई ने उन्हें देख लिया और हंगामा खड़ा कर दिया। चंदा, चंदा, आ अंदर। अच्छा, ये बात है। अभी देखता हूँ तुझे। ओ दामू, दामू, शंकर, तिहारी इधर आना। अरे काका इधर आओ। क्या पागल की तरह चिल्ला रहा है? क्या हुआ? हमारी आवरी लुट गई माँ। निकल, हमारे घर में घुसकर हमारी इज्जत तोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है तू? छोड़ दे दामू। हट जा बाहर। क्या हुआ दामू? छोड़ मचा रहा है दामू। अरे दरवाजा चिल्ला रहा है, हुआ क्या? अरे चंदा देखो, ऊंची हवेली वाले हमारा सब कुछ छीनने के बाद हमारे घर की इज्जत भी लूट रहे हैं। आखिर क्या बात है दामू? अरे वो विक्रम साहब इतना दिन धारे मेरे घर में होता है। चंदा हमारा खून अब क्या होगा? ये लोग हमें मार डालेंगे। तुम चिंता मत करो, आओ ना, घबराओ ना। मगर विक्रम ने पल भर में ही सारा माहौल बदल दिया कुछ इस तरह से। अगर किसी ने आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी है तो आप बेशक उसकी बोटी बोटी कर डाली। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी लड़की से शादी करना उसकी इज्जत लूटना है? शादी? हाँ माँ जी, मैं और चंदा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मैं चंदा से शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं करता अपनी बहन का ब्याह तुझसे। अच्छा मुझे तू होता कौन है? अरे मुरत, ऐसा पहनोई सात जन्म तक तब करने से भी नहीं मिलेगा। हमें माफ करना बेटा, हमने तुम पर खाम खा के जब उछाला। एक दिन डॉली ने मदन के साथ घर से भागने की कोशिश की लेकिन विक्रम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। डॉली क्या
मेरी बेटी की इस नीच हरकत पर उसको गले से लगा रही हो मां। मैं तुम्हें हर कदम पर समझाता रहा लेकिन तुमने इसकी किसी गलती पर सजा नहीं दी। डॉली के लिए तुम्हारा ये प्यार प्यार नहीं दुश्मनी है। दुश्मन आप है मेरे, आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मदन मुझसे प्यार करता है, मैं मदन से प्यार करती हूँ। आपको मुझसे बोलने का कोई हक नहीं। आप मुझे उसके पास जाने से नहीं रोक सकते। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी उसके पास। क्या शर्म, मैं तेरी जान ले लूंगा। विक्रम, मैं तेरी बड़ी 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 नोट चालूंगी। हत्यारे, तूने मेरी जवान बेटी पर हाथ उठाया है। आखिर दिखा दिया ना अपना सौतेलापन। ये उस बदमाश के साथ भाग रही थी। ये नहीं भाग रही थी बल्कि तूने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। कमीने, तू इसके हक पर सांप बनकर बैठ गया है ताकि इसके दहेज में रुपया ना देना पड़ जाए। जब मेरी बेटी उससे प्यार करती है तो क्यों नहीं खुशी खुशी इसका हाथ मदन के हाथ में दे दिया। शर्म करो माँ, शर्म करो। मदन बदमाश है, आवारा है, गुंडा है, बदचलन है। उद्दौली की जिंदगी तबाह कर देगा, वो हमारे घराने के लायक नहीं है। हमारे घराने के लायक वो बदकौमी चंदा है, वो कुतिया जिसके लिए जागीर भर में तू अपना मुंह काला करवाता फिरता है। नीच माँ, ये गरीब मासूम की इज्जत मत लो, अपनी बेटी की आबरू संभालो। देखती हूँ तू उस कलंकनी को इस घर में कैसे लेकर आता है। और तू भी देख ले कि मैं अपनी बेटी का ब्याह मदन के साथ कैसे करती हूँ। चल बेटी। सौतेली माँ और बहन के बिगड़े हुए रंग ढंग से तंग आकर विक्रम ने इरादा किया कि वो अपनी जायदाद नीलाम करवा देगा। तो क्या छपवाया है अखबार में तूने? जवाब क्यों नहीं देता? आज शाम को हम ये मंजूस जगह छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चले जाएंगे। तुम और डॉली भी तैयार हो जाओ। कमीने, चंदा चंदा के साथ रंगरलियां मनाने के लिए अपनी माँ और बहन का घर उजाड़ने पर तुला है। लेकिन मिट्टी में मिला दूंगी मैं तेरे सब अरमान। तुझे जहाँ जाना है जा, मैं इसी हवेली में रात करती रहूंगी। सुलोचना के साथ मदन भी विक्रम का जानी दुश्मन बना हुआ था। आप फिक्र मत कीजिए, डॉली के लिए अगर किसी को कुर्बानी देनी होगी तो मैं दूंगा। मैं हटाऊंगा विक्रम को आपके रास्ते से। विक्रम अपने खिलाफ चल रहे षड्यंत्र से पूरी तरह बेखबर था। उसे किसी जरूरी काम से बेंगलोर जाना था और उसकी रवानगी पर एक साजिश रची जा रही थी। अब से ठीक 15 मिनट के बाद आपकी तमाम परेशानियां खत्म। विक्रम की गाड़ी में बम रखा हुआ था। एक धमाका हुआ तो गाड़ी के परखचे उड़ गए। उधर चंदा विक्रम को खोकर बदहवास हुई जा रही थी। रोने से क्या होगा चंदा? तेरे रोने से विक्रम वापस तो नहीं आ जाएगा। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। और इधर विक्रम की कोठी में मातम की जगह जश्न मनाया जा रहा था। मिस्टर नागरवाला, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए मम्मी के दस्तखत करा लीजिए। जरूरी काम पहले निपटा लेना चाहिए। वकील साहब, जागीर के तमाम इख्तियारात जो मैंने मदन को देने का फैसला किया था वो कागजात तैयार है। यू मीन पावर ऑफ अटॉर्नी? यकीनन, जब मिस्टर मदन ने दामाद होने का हक अदा किया है तो मालकिन को भी सास होने का हक अदा करना चाहिए। जी हाँ, क्यों नहीं। मोबाइल। अभी ये सारा तमाशा चल ही रहा था कि अचानक जैसे सभी की सांसें थम गई, कोई वहां आ पहुंचा। खबरदार जो आगे बढ़ा, कौन है तू? इतनी जल्दी भूल गई माँ? मैं हूँ तुम्हारा बेटा विक्रम। माँ मत बोल मुझको, मेरा बेटा विक्रम मर चुका है। सारी दुनिया के सामने उसका क्रियाक्रम भी हो चुका है। लौट आने वाले शख्स के रूप में विक्रम को सामने पाकर भी हर किसी ने उसे विक्रम मानने से इनकार कर दिया। नतीजा पुलिस बुलवाई गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बदमाश, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। तो आप विक्रम सिंह हैं, लेट श्री सरन सिंह के बेटे? इकलौता बेटा। आपके पास क्या सबूत है कि आप ही विक्रम सिंह हैं? माय पासपोर्ट। आप मिस्टर विक्रम की तस्वीर दिखा सकते हैं? जी हाँ, वो देखिए, वो रही सामने। शक्ल तो बिल्कुल मिलती जुलती। इंस्पेक्टर साहब, ये विक्रम की शक्ल का कोई बहरूप या है? तू कपड़े उतार, मैं कहती हूँ अभी तेरा भांडा फूट जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे विक्रम के कंधे पर एक बड़ा सा तिल था। जरा अपनी कमीज उतारिए।
इंस्पेक्टर, आपकी इजाजत हो तो कपड़े पहन लूं? यस यस यस, बाय ऑल मीन्स। एनी मोर क्वेश्चंस? नो थैंक यू, आई एम सॉरी मैडम। अब तक जितने सबूत मिले हैं वो सब इनके फेवर में, जब तक इनके खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। विक्रम के विक्रम साबित हो जाने के बाद सभी उसे घर में रखने पर मजबूर हो गए। गुस्से और निराशा से बौखलाए हुए गौरीशंकर और सुलोचना का कहर टूटा बस्ती वालों पर और उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी गई। अनाज लूटा जाने लगा। मारो इन जमीनों को, छीन लो अपने अनाज, आज ये जमीनें तुम्हारी हैं। मगर विक्रम ने जाकर ये सब रोका और इसके बाद पूरे 5 साल का हिसाब निकालो गौरीशंकर, वरना काली शंकर बना दूंगा। वही तो देखा हूँ सरकार, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ करते वक्त नहीं सोचा था कि एक दिन हिसाब भी देना पड़ेगा? एक दिन की मोहलत और दीजिए, कल हिसाब पूरा दे दूंगा। वसूली करते वक्त गरीबों को 1 घंटे की मोहलत दिया तुमने? मिल गई जमा की खतौनी, मिल गई, पूरे 2 लाख है। 2 लाख नकदी की तरह मुझे बताओ। नकदी मेरे पास है, और किसके पास हूँ? अब और कितने हंटर खाने पड़ेंगे देवी जी, आपकी सेवा के लिए तो मैंने अपना घर नहीं बताया, अब मालूम होता है जान जाएगी। बस्ती में आग लगने से चंदा का भी घर जल गया। ऐसे में विक्रम उसका सहारा बना, लेकिन सुलोचना चंदा को घर में देखते ही आग बबूला हो गई। तेरी ये मजाल कि इस हवेली में पांव धर सके, निकल जा यहाँ से, नहीं तो चप्पल मार मार कर तेरा भुरकट निकाल दूंगा। चल हट। ये हमारे मेहमान है। मेहमान है, इन चुड़ैलों की क्या औकात है कि इस हवेली में रहे? जब तुमने इनके घर को आग लगवा दी तो अब और ये कहाँ रहे? कासिम जान जी, मेहमानों का रहने का बंदोबस्त करो, इन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। चंदा और उसकी माँ कल्याणी अब विक्रम की कोठी में ही रहने लगी और विक्रम ने उन्हें सारी जिम्मेदारी भी सौंप दी। ये माल ना आपका है ना मेरा, ये उन गरीब किसानों का है जिनको लूट लूट कर आपने ये सब जमा किया है। चंदा इकट्ठा करो ये सब रुपए। ला मेरी चाबी, इधर दे। आज से ये चाबियां इनके पास रहेंगी और ये जंजीर तुम्हारे पास। अब एक बार फिर एक नया षड्यंत्र शुरू हुआ, विक्रम के खिलाफ एक नई साजिश को अंजाम दिया जाने लगा। अब मैं 1 मिनट के लिए सबर नहीं कर सकती, अब सबर किया तो सचमुच मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। मार्जिन, मुझे नमक का हक अदा करने का मौका दीजिए। मुझे उस बदमाश के लिए कोई थोड़ा सा जहर ला कर देते। लेकिन उसे जहर देंगे कैसे? वो चंदा और उसकी माँ के सिवा किसी ग्राहक का पानी तक नहीं पीता। उसका रास्ता मैंने सोच लिया है। लेकिन उसकी लाश का क्या करेंगे? उसका इंतजाम मैं करूँगा। षड्यंत्र के मुताबिक सुलोचना ने दूध के गिलास में विक्रम को जहर दे दिया और उसकी लाश एक संदूक में डालकर पहाड़ी से लुढ़काई ही थी कि कासिम के साथ पुलिस वहां आ पहुंची और संदूक से विक्रम को सही सलामत निकाल लिया गया। माजी, अब आप भाग नहीं सकती, अब आप बच नहीं सकती। कासिम तू? हाँ, वो जहर की शीशी नहीं थी, वो शरबत की शीशी थी। नमक हराम, कमीने, कुत्ते। इस औरत को भी गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर। तू होता कौन है? तू विक्रम नहीं है, विक्रम मर चुका है, क्योंकि मैंने विक्रम को अपने हाथों से मारा है। इंस्पेक्टर साहब, विक्रम को अपने हाथों से मारा है। और फिर सुलोचना ने एक और खौफनाक सच्चाई को स्वीकार किया। इंसान से कभी कभी ऐसी गलती भी हो जाती है जिसका प्रायश्चित नहीं होता। एक रात जब मैं गौरीशंकर के कमरे में थी, विक्रम ने मुझे उसके साथ देख लिया। मैंने उसी वक्त विक्रम की जिंदगी खत्म करने की ठान ली थी। मैंने ही उसकी गाड़ी में बम रखवाया था। जब वो गाड़ी लेकर रवाना हुआ, कुछ देर बाद हमने उसका पीछा किया, बम से गाड़ी उड़ गई। विक्रम उस आग में पूरी तरह झुलस रहा था, अभी वो अपने आखिरी सांसों में था कि मैंने उसका खात्मा कर दिया। विक्रम नहीं है, हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। आप ठीक कहती हैं, मैं विक्रम नहीं हूँ, मैं CID इंस्पेक्टर विनोद हूँ। असली मिशन का पता लगाने के लिए मुझे विक्रम बनना पड़ा। इस सच्चाई को जानकर सुलोचना उसी वक्त पहाड़ी से कूद गई और अपनी जान गंवा बैठी। चंदा भी रो रो कर बेहाल हो गई। विनोद ने उसे दिलासा देते हुए एक और सच्चाई जाहिर की। उस दिन जब विक्रम तुमसे मिलकर बैंगलोर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसको एक मुसाफिर मिला जिसने उसे लिफ्ट मांगी।
भाई साहब माफ कीजिएगा, मेरी बस निकल चुकी है। अगर तकलीफ ना हो तो मुझे स्कूल तक छोड़ दीजिए। आइए बैठिए। थैंक यू प्लीज। हाँ घड़ी बड़ी खूबसूरत तो आती लाइए ना। अंगूठी? हाँ पर्स तो होगा आपकी पॉकेट में। लाइए लाइए। मतलब गाड़ी जो थैंक यू शुक्रिया। आउट रुको मत, आगे बढ़ो और आगे। विक्रम लड़खड़ाता हुआ उसी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंच गया। तफ्तीश करने पर हमें मालूम हुआ कि विक्रम को मार डालने के लिए कार को बम से उड़ाया गया था। हमें शक हुआ कि यह साजिश उसी के रिश्तेदारों ने की थी, इसलिए हमने विक्रम को उस नाजुक हालत में उसकी जान की हिफाजत के लिए घर भेजना मुनासिब नहीं समझा। विक्रम उस दिन से इसी हॉस्पिटल में हमारी देखरेख में है। विक्रम चंदा, मैंने तुमको सबसे ज्यादा दुख दिया ना चंदा। मेरे सब दुख दूर हो गए। फिल्म सावन भादो सन 1970 में रिलीज हुई थी। दोस्तों फिल्म सावन भादो के बाद नवीन निश्चल और रेखा की जोड़ी बरखा बहार, वो मैं नहीं, धर्मा और आस्था में भी देखने को मिली। फिल्म सावन भादो की रिलीज के 16 बरस बाद पर्दे पर आई फिल्म मेरा हक भी पूरी तरह से सावन भादो की ही कहानी थी। संजय दत्त और अनिता राज अभिनीत इस फिल्म का निर्देशन अजय कश्यप ने किया था। बहरहाल फिल्म सावन भादो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से सफल रही। मशहूर फिल्मकार वी शांताराम हर रविवार को एक नई फिल्म देखते थे। उन्होंने फिल्म सावन भादो में देखी और बाद में मोहन सहगल को फोन किया, पूछा क्या सावन भादो बनाकर आप संतुष्ट हैं? मोहन सहगल ने जवाब दिया, संतुष्ट हूं या नहीं ये अलग बात है, मगर इसकी कामयाबी से बेहद खुशी जरूर है मुझे। की कहानी से जुड़ी बातें, फिल्म के निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की बातें, फिल्म के नए हीरो हीरोइन और कुछ और नए कलाकारों की बातें, मतलब आज की सारी बातें पूरी हुई दोस्तों, यानी पूरी हुई बाइस्कोप की बातें। बस एक दो बातें मुझे और बतानी है, वो भी सुन लीजिए। एक तो ये कि फिल्म सावन भादो की खोज और आलेख तैयार किया था अशोक अय्यर ने। प्रोग्राम को बनाने में मददगार थे पी के ए नायर और फिल्म
सावन भादों की बातें आपको सुनाई प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा ने। अब आज की सब बातें मुकम्मल, अगले हफ्ते तक नमस्कार। बायोस्कोप की बातें फिर सुनिएगा पिटारे में अगले हफ्ते आज ही के दिन। यूं तो सातों दिन खुलता है पिटारा, हर रोज खोलिए, हर रोज सुनिए पिटारा।